डॉक्टर इसरार अहमद साहब को ऑलरेडी दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी साल हो गए, बट स्टिल जब वो जिंदा थे तभी अवेयर किया था कि इसराइल और हमास के बीच एक बड़ी जंग होगी। उनकी पेशन गोया आज की डेट में सच होती नज़र आ रही है। उन्होंने 100 साल तक के बयान उन्होंने दे रखे हैं कि एज रिटन इस कुरान शरीफ के जब कयामत आएगी तो उनके क्या मंजर और क्या तासुरात और क्या निशानियां होंगी, आज हम सबको डॉक्टर साहब डिटेल में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कोमल अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं कोमल अब्दुल्ला ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो डॉक्टर अहमद इसरार अहमद के बारे में और उनकी पेशन गोइयों के बारे में। सो चलते हैं वीडियो की जानिब। कर सकता है, कोई उसके लिए मुश्किल नहीं। हुआ आला कुल्ले शहीद कदीर, उसे हर शय की कुदरत हासिल है। लेकिन असल बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है साइड इशू, असल इशू है फिलिस्तीन का जो शुरू होने वाला है। भट्टी दहकेगी वहां। जाहिर बात है कि अगर कोई बहुत बड़ा इकदाम हो जाता है फिलिस्तीनियों के खिलाफ और अगर वाकईतन मस्जिद अक्सा और हुकूमत सहरा गिरा दिए जाते हैं, जो तूफान उठेगा आलम अरब में, ये हसनी मुबारक हो या शाह खालिद हो या कोई और हो, ये नहीं रोक सकते उस तूफान को। नौजवान खून उठेगा, गैरत और जो भी हमीयत है, मुसलमान अनपढ़ से अनपढ़ और बिल्कुल बेदीन, वो भी मस्जिद की हुरमत पर कट मरने को तैयार हो जाता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बना सकता। वो चाहे कानपुर की मस्जिद थी मुसलमानों ने जाने दी है, चाहे वो शहीदगंज की मस्जिद थी मुसलमानों ने जाने दी है, चाहे नमाज ना पढ़ते हो, लेकिन ये जो हुरमत और ये जो हमीयत और ये जो गैरत है, इससे जो तूफान उठेगा ये होगा उस मलहमतुल उज़्मा, उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही। किताबुल मलाहिम से अहादीस के हवाले से या जिन जंगों का हवाला दिया हुजूर ने, पेशन गोई की है, उसका नुकता आगाज था खलीज की जंग। सद्दाम हुसैन ने उसे कहा था ये मदर ऑफ वॉर्स है, उम्मुल महारिब, ये एक जंग नहीं है। उसका नक्शा भी हदीस में मौजूद था, पेशन गोई मौजूद थी, उस वक्त भी हमने शाये की थी। लेकिन इसमें जो जंग अब होने वाली वो अल मलहमतुल उज़्मा, मलहमा किसे कहते हैं, लहम गोश्त को कहते हैं, और कसाई की दुकान को अरबी में मलहम कहते हैं, जहां गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं। आजकल मशीनों से होते, अब जो है वो हाथ से छुरियों से नहीं होते, लेकिन टुकड़े हो रहे होते, जिस्मों के चीथड़े उड़ रहे होते। मलहमा, यही लफ्ज इस्तेमाल किया था हजरत साद इब्ने इबादा ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, यौम फतेह मक्का। उनके दिल में था कि अब हम इंतकाम लेंगे इन अरबों से, इन कुरैश से। अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, ये कहते हुए जा रहे थे। एक खास कैफियत, आज है गोश्त के टुकड़े उड़ाने का दिन। हुजूर से कहा किसी ने जाकर के, साहब तो ये कह रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। हुजूर ने फरमाया नहीं, उनसे कहो जाकर अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरह, आज रहमत का दिन है, आज तो मैं इन सबको माफ करूंगा। ला तस्रीब अलैकुम अल्यौम, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने कही थी अपने भाइयों से, इज़बू फंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद। वो मलहमा है जिसको के हुजूर ने हजरत माज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उसमें से जो अबू दाऊद में रिवायत आई है उसमें अल मलहमतुल उज़्मा, उज़्मा मुअन्नस है आज़म का। आप कहते हैं जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दोम, अजीम का बाप हो गया आजम, सबसे बड़ा, और उसका मुअन्नस है सबसे बड़ी उज़्मा, अल मलहमतुल उज़्मा, सबसे बड़ी लड़ाई। मेरे नजदीक ये वॉर के मानी में नहीं है, बैटल के मानी में। अंग्रेजी में ये दो लफ्ज अलहदा है, वॉर बैटल। वॉर सालों को मोहित होती है, बैटल किसी एक खास जगह पर जो लड़ाई होती है उसको कहते हैं। हुजूर के और कुरैश के दरमियान 6 साल वॉर थी, जंग थी, लेकिन बैटल्स, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ बद्र, ये बैटल्स थी, लड़ाइयां थी। तो अजीम तरीन जंग शायद उस एतबार से ना हो जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, यानी उसकी वुसअत का इतना मामला नहीं और तवालत का नहीं, लेकिन जो लड़ाई जो है बैटल होनी है, जिसको कि ये लोग, या चूंकि मैंने कहा था शुरू में
کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن, ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگیڈون کہا گیا ہے اسے. ہر مجدون, یہ عبرانی لفظ ہے, ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو, ستا مرتفع, مجدون میگیڈو, میگیڈو ایک وادی ہے, مرتفع وادی ہے, مرتفع. یہ ہے واقع لبنان, اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا, جو ٹرائنگل بنتی ہے, یہ ہے. یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگ صلیب ہوگی, جو کہا ہے بش نے, یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی, تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے, یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے, یہ کروسیڈ. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں, یہ ان کا رسالہ ہے. اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں. زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو, کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں, لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے, میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں, امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیتھ, ایک عیسائی کو بلایا تھا, ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے, ڈاکٹر وشوگراٹ, جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی, ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے, یہ تو 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے, جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ موعود آئیں گے آ جائیں گے, لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے. زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی, اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا, تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے, اون کیا ہے. اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں, اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا, اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں, جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے, بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے. نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے, وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ, جو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ, اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے, یہ پوپ شیطان ہے, یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر, اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ, اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹس کا سردار تھا, ابھی پوری طرح نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے, اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی, اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے, اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے, کیتھولکس کی, پوپ کی حکومت قائم ہو جائے, جیسے اس تیمور میں تبدیلی. اس تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک, رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے, تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے, بیت الحضرت مسیح پیدا ہوا, بیت اللحم کہاں ہے, وہی ہے کہ نہیں, جہاں سے ریزرکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے, وہی پر ہے کہ نہیں, بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے, یہ کیفور. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے, یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا, انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی, انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلنسنگ کروائی, پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے, پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا, اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے, اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا, سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے, وہاں سے ایک چھلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے.
और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते। तो वहां अमेरिका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रेबिन ने जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद, कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है बिल्कुल राम हो गया और वो ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उनका पूरा वायदा। अब पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है वैसे तो मजमू यहूदियों के शिकंजे में है, अलबत्ता उनके अंदर भी झगड़े हैं, जो वहां पर व्हाइट क्रिस्टन मिलिशियाज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कैथोलिक्स, उनके नजदीक दुश्मन नंबर एक यहूदी, दुश्मन नंबर दो मुसलमान, दुश्मन नंबर तीन जो यूरोप में काले हैं एफ्रो अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो गए हो कोई भी हो, ये तीन दुश्मन हैं जिनसे उन्होंने क्लींस करना है, साफ करना है उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका की सोसाइटी को, अव्वलन यहूद फिर मुसलमान और फिर ये जो काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वो है जिन्हें कहा जा रहा है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, ये इसराइल के इसराइल से बढ़कर सपोर्टर्स। बहरहाल ये अब जंग होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं, आखिरी नतीजा तो जो भी कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे आएंगे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, आखिरी नतीजा ड्रॉप सीन वो ये होगा कि अल्लाह के दीन का बोलबाला होगा और पूरी दुनिया पर मोहम्मद के लाए हुए दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम होगी, वो गोया कयामत की तमहीद होगी, उसके बाद बस कयामत आएगी, क्योंकि मकसद कायनात तखलीक कायनात पूरा हो जाएगा। पूरी मखलूकात के अंदर मकसद तखलीक, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस खिलाफत अर्जी के लिए जो हजरत आदम को खिलाफत दी गई थी, जब इसमें वो खिलाफत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी उसका मकसद पूरा हो जाएगा, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड, उसके बाद कयामत, आखिरी नतीजा तो ये निकलना है। इससे पहले सजाएं हमें भी मिल रही हैं, और यहां मैं कांटे की बात जो छोड़ गया था उसको बयान कर दूं, अल्लाह ने इस मग़ज़ूब अलैहिम कौम को, इस मलऊन कौम को क्यों अब तक छूट दिए रखी। मैं बता चुका हूं ये बड़े अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, छूट दी है अभी तक है, बल्कि एक मरतबा उभारा है, 1900 बरस के बाद उभरे हैं ये, बालफोर डिक्लेरेशन 1917 सन 70 ईस्वी के बाद, तकरीबन 1900 बरस, 1850 बरस तो है कम से कम। फिर क्रिएशन ऑफ इसराइल 1948, 1967 एक्सटेंशन ऑफ इसराइल, यरूशलम पर कब्जा, ये सारा जो है क्यों है। अल्लाह ताला इस खैरे उम्मत, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बेहतरीन हिस्से को सजा इन मलऊनों के हाथों दे रहा है। क्यों? जो जुर्म उन्होंने किया था वही हमने किया। उन्होंने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंका, नबदा फरीकु मिन अल्लज़ीन उतुल किताब किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, हमने पहले की उम्मत पे कैसे अज़ाब नाजिल हो जाया करता था लेकिन इस उम्मत पे नहीं होता, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ की, उन्होंने हमें उस अज़ाब से बचाया, क्योंकि आजकल जितनी बुराइयां हो रही हैं उन पे अज़ाब आने लगे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता, इवन हम सब गुनहगार हैं और अल्लाह ताला ने हमें पर्दे में रखा हुआ है। शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया। हमें चाहिए कि उनके लिए दुआ करें और उनकी मदद करें, और फलस्तीनियों के लिए अल्लाह की मदद काफ़ी है। अल्लाह ताला एक दिन उनकी मदद ज़रूर करेगा, आज लेकिन
आजकल जो उन बेचारों के साथ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और इन लोगों के दिलों में रहम डाले ताकि उन फलस्तीनियों को आज़ादी मिल सके। प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। बी फ्री फ्री पैलेस्टाइन, बहुत मुश्किल में वो चल रहे हैं। और बाहर के मुल्क में मुसलमान मुल्कों की बात नहीं कर रही, मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूँ जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। वो भी स्टैंड ले रहे हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं, वो भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया, हुक्मरान को पता नहीं क्या होने लगा है कि वो ऐसे काम कोई स्टेप नहीं उठा रहा, कोई फौज नहीं जा रही वहाँ तक। बस अल्लाह ही मदद कर सकता है। और अजाब तो आना है, क़यामत तो आनी है, ये दुनिया फ़ानी है, सबको पता है, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।